नमस्कार मित्रों, हम इससे पहले भी मेरे YouTube चैनल के जरिए मिल चुका है। मैं आज फिर से कोरोना के विषय पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कोरोना पूरे विश्व में एक महामारी के तौर पे फैल चुकी है, तब ये हमारे सामने, पूरे मानव जाति के सामने कई सवाल लेके खड़ी है। मूल में कोरोना का रूट कॉज क्या है, ये समझने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं वन ऑफ माय मेंटर अजय जैन भैया। अजय भैया इससे पहले शैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे काम कर चुके हैं। हाल ही में वो अपना जीवन जीवन विद्या यानी मध्यस्थ दर्शन से जुड़ी हुई फिलोसॉफी को समझने में और समझाने में लगा रहे हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं कोरोना के रूट कॉज और कैसे पूरी मानव जाति इस प्रकार के रोग से भविष्य में बच पाए, इसके ऊपर पूरा वीडियो साथियों ध्यान से सुनिए। आप अभी ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सभी लोग आप घर में ही हैं और आपके पास काफ़ी टाइम है। नमस्कार। बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये आ रहा कि ये कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ या इसका रूट कॉज क्या है और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो भी अभी सरकार कर रही है या व्हाट्सएप पर इस पर बहुत सारी जानकारी उपलब्धि है, प्रधान रूप पर तो मेरा इस पर ध्यान गया कि ये जो कोरोना वायरस का अभी तक ऐसा लगता है कि जो मेन सोर्स है ओरिजिन का, जो वुहान में हम लोग वाइल्ड एनिमल्स के साथ जो कॉन्टेक्ट में आए, या एक बहुत सारी डिमांड है वर्ल्ड वाइड एक बहुत छोटे ग्रुप की जो वाइल्ड एनिमल्स या एग्जॉटिक फूड को लेते हैं और उनकी हैंडलिंग करने में ये जो वायरस कभी कभी जंप होता है एनिमल्स के द्वारा ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्ट में आने से। और यदि इस पिछले कुछ दशकों में ये देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां इस तरह से एनिमल्स में जो वायरसेज होते हैं उसके द्वारा ह्यूमन के कांटेक्ट में आने से हुई हैं। फॉर एग्जांपल नीपा वायरस को यदि हम देखें, या पहले जो सार्स हुआ था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और जो बीच में मर्स हुआ, या बहुत सारी, यहाँ तक कि HIV, ये सारी की सारी जो बीमारियाँ हैं अधिकतर ह्यूमन बीइंग्स जब एनिमल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं तब हो रही है। अब सवाल ये बनता है कि हम मानव जाति इस तरह के एग्जॉटिक फूड को क्यों खा रही है। अधिकतर लोग जब इस तरह के सवाल को उठाया जाता है तो ये पूछते हैं या ऐसा बोलते हैं कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस का मामला है, इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये चॉइसेज इतनी पर्सनल नहीं है, क्योंकि हम सब एक कनेक्टेड वर्ल्ड का हिस्सा हैं और यदि कुछ चॉइसेज दूसरों को प्रभावित करती हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी चॉइसेज हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल और भी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस तरह के फूड की तरफ क्यों आकर्षित हैं, क्योंकि अभी मानव जाति अपने को जो सुखी होने का एक स्रोत है तो उसको जो खाने में जो सुख मिलता है, इसलिए हम बहुत सारे इस तरह के एग्जोटिक फूड को लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे कॉरपोरेट मीटिंग्स में हम लोग जब डिनर पार्टी पर जब चर्चा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बाकियां एक दूसरे को लोग सुनाते हुए पाए जाते हैं, जहां वो ये बताते हैं कि उन्होंने किस तरह की एग्जोटिक फूड खाए, है ना, और ये बड़े गर्व से बताते हैं। तो अभी सारा का सारा मुद्दा ये है कि मानव जाति इस बात को नहीं पहचान पाई कि मानव का आहार प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तक है कि हम इस पर बहुत ही संवेदनशील हैं और इस मुद्दे को हम पब्लिकली चर्चा ही नहीं करना चाहते। लेकिन अब इस तरह के केसेस जो बार बार हो रहे हैं जिससे इकोनॉमिक लॉस भी है, मानव के जीवन का या शरीर का भी नुकसान है, तब हमें सोचने पे हमें बाध्य हो रहे हैं कि हमें पहचानना पड़ेगा कि आखिरकार मानव का आहार होना क्या चाहिए। बहुत सारे मानव ह्यूमन बॉडी को यदि अपन एनाटॉमी को देखते हैं तो उनकी टीथ स्ट्रक्चर, नेल स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन का साइज इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि ये वेजिटेरियन डिजाइन है, है ना। इवन हम पानी पीने के स्ट्रक्चर को देखें तो हम लोग जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो ओंठों से पानी पीते हैं,
जबकि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो टंग से पानी पीते हैं। तीसरी और जो इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हम जो किलिंग करते हैं एनिमल्स की वो कहाँ तक ठीक है, क्या ये क्रुएलिटी नहीं है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये निकल के आता है कि जो नॉन वेजिटेरियनिज्म है या इस तरह के जो नॉन वेजिटेरियन फूड को बनाने में हम बहुत सारा पानी और रिसोर्सेज को खर्च करते हैं। तो इस तरह से भी यदि देखा जाए तो ये बहुत क्लियरली दिखता है, बट फिर भी ये मुझे लगता है लोगों को स्वयं ही इस पर विचार करना होगा। मैं यहाँ पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहता कि वेजिटेरियन सही है गलत है, बट मुझे लगता है हम सबको इस सब पे सोचना चाहिए। तो प्रधान मुद्दा यह कि जो अभी हम खाने से जो सुख को प्राप्त करना चाहते हैं उसको वो किस तरह से हमारे इकोलॉजी को दूसरे लोगों को डेंजर कर रहा है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। ये विचारणीय मुद्दे हैं, कहीं मानव जाति को शायद ये भी सोचना होगा कि हम सबका इस धरती पर फाइनली जीने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, मैं हूँ कौन और मैं सही अर्थों में सुखी होता कैसे हूँ। क्योंकि खा करके तो कोई आदमी हमेशा के लिए सुखी हो गया ऐसा नहीं हुआ, और हम सब निरंतर सुखी होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन प्रश्नों के उत्तर या इस सवाल को और एड्रेस करना होगा कि सही ढंग से मानव का एक दूसरे के साथ, मानव की मानवीयतर प्रकृति जो है पशुओं के साथ, पशु जगत के साथ, क्या हम पूरक होके जीने के तरीकों को ढूंढ सकते हैं और क्या सभी सुखी और समृद्ध हो सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर हमें विचार करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद अजय भैया। तो जैसा आपने सुना, जो भी सवाल हमारे सामने ये खड़े हैं उनके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा था, जीवन विद्या, को एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी ये सवालों के जवाब देने का आश्वासन देती है। और कैसे पूरी मानव जाति बिना किसी घर्षण स्नेहपूर्वक प्रेमपूर्वक जी सके उसका प्रस्ताव लेके आती है। तो इन दिनों आप फ्री ही है तो पूरे परिवार के साथ आप ये शिविर देख सकते हैं। 7 दिन का शिविर रहता है, हरेक दिन 3 से 4 सेशन रहते हैं, एक सेशन 1.5 से 2 घंटे का रहता है। तो शिविर का YouTube लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पूरे परिवार के साथ ये शिविर देख सकते हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, और ये समय का सदुपयोग भी है। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी देखिए, वो भी करिए, लेकिन साथ ही आप ये शिविर देखेंगे तो आपका समय सार्थक रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।